राम राम भाई। आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमृत सागर में। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पीछे देखिए नीचे तो वाटरफॉल नहीं था, ये जो जा रहा कसम ये मिल जाए वाटरफॉल। अभी हम लोग हैं साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। साहिबगंज के अंदर एक बरहेट आता है, बरहेट के पास ही है। मैं इतना इसलिए हाँ रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग बहुत नीचे चढ़ाई करके आ रहे हैं, तकरीबन 200 प्लस सीढ़ी था। यहाँ पर एक शिवगादी धाम करके वाटरफॉल है, तो हम लोग आए। हम लोग गाड़ी करीब 2-3 किलोमीटर पीछे ही है, और तो यहाँ पर हम लोग जो शिवगादी धाम है वो तो मिल गया हम लोग को। शिवगादी धाम ने मतलब भगवान जी शिव जी का मंदिर मूर्ति है, वहाँ हमने प्रणाम होकर के आगे। उसके बाद हमें ऊपर दिखाया था, गूगल मैप में दिखाया था ऊपर में एक वाटरफॉल है, शिवगादी वाटरफॉल। बट मैं देख रहे हो नीचे से आया हूँ, ये तो अभी ऐसा सड़क है, नीचे में अच्छा सा सीढ़ी बना हुआ है और इधर है ऊपर। तो इधर एक कोई गाँव है शिवगादी करके, तो वो गाँव का रास्ता जाते वाटरफॉल हमें दिखा नहीं है। वाटरफॉल जो मंदिर के पास था ना वही एक था वाटरफॉल। और देख सकते हो मैं एकदम खाली पे रहा हूँ क्योंकि नीचे में जो दुकान वाले थे उन्होंने बोला कि भाई मंदिर में जा रहे हो तो कम से कम जूता चप्पल खोल के जाओ। अब फिर यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे, थक गया हूँ यहाँ पहुँचा था। तो आज हम लोग मतलब ऑफिशियल ट्रिप पे निकले थे और उसी में हम लोग आए शिवगादी धाम। जगह एक नंबर है, बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगी, देखना और सपोर्ट करना। ये रहा हमारे पीछे शिवगादी धाम, और जैसा कि शायद वीडियो में दिखे रहे हैं, अच्छा दिखाता हूँ। ये जो शिवगादी धाम देख रहे हो यहाँ मंदिर है, और इससे पहले जो छोटा सा हमने वीडियो देखा था जो कि वाटरफॉल का था, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, उतना कष्ट नहीं करने का, आप लोगों को दिक्कत नहीं देने का। और ये जो सीढ़ी था वो ऊपर था जो कि गाँव तरफ गया था और वाटरफॉल के लिए। और ये जो देख रहे हो मेरे पीछे यही है, और यहाँ पर एक मंदिर भी है शिव जी का, तो यही है शिवगादी धाम वाटरफॉल जो कि मस्त एक नंबर था। और इसका सबसे मुझे ख़राब लगा भाई, देख सकते हो शरीर ठीक है, और ये देख सकते हो सीढ़ी, क्या ही बोलो छोड़ो। इस जगह पर जानते हो सबसे ज़्यादा भीड़ होता होगा सावन में, क्योंकि शिव जी का है। तो अभी तो कुछ दिन पहले सावन बीता है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो देख रहे हो ना, ये जो लास्ट है जहाँ पे गेट दिख रहा है, गेट टाइप का, वहाँ से एंट्री है ठीक है। अगर आप प्योर भक्त हो, मतलब भक्त हो आप, तो इस तरह आओ खाली पैर, और भक्त नहीं हो तो जूता पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जब पहुँचोगे, ऊपर साइड जब पहुँचोगे मंदिर के पास, तो आपको जूता ही खोलना ही पड़ेगा। देख लो अच्छा से ऊपर, देख लो मस्त है लोकेशन, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ हमको एक चीज़ नहीं मिला, जो वाटरफॉल था वो नहीं मिला बस, बाकी तो सब कुछ है। हाँ, और एक बात, यहाँ पर ना एक प्लस पॉइंट है कि सब जगह आपको इस तरह दिख रहे हो ना धर्मशाला टाइप का, ये बना हुआ है, रेस्ट कर सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब वो था ना, क्या बोलते हैं, सावन था, तब यहाँ पे बहुत सारे रखते होंगे। और ये भी मस्त एरिया है यार, ऐसा कोई गंदी बात नहीं है।
मस्त जगह है। ऊपर में टेस्ट आपका दिया हुआ है, आराम से आइए, रखिए, खाइए पीजिए। खाने पीने के लिए बगल में रेस्टोरेंट है, अभी जा रहे हैं शायद देखने, दिखा भी सकते हैं आपको हम। और इस मंदिर का मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि जो एंट्री देख रहे हो ना, एंट्री में एक नंबर मतलब मज़ेदार बना हुआ है, जिसका फोटो आप देख सकते हो, और नहीं तो वीडियो में तो मिलेगा। जिस वाटरफॉल्स को खोजने के लिए हम उल्टा डाल गए थे वो यहाँ है, यहाँ अलग है पानी है, और ये बहुत दूर में है, अब सामने खुल जाएगा।